गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मोशन इन ए प्लेन का। इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स से जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराए अच्छे से देख लें, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, ये मैंने आपको रिजल्ट में याद करा रखा, रिजल्ट बता रखा था। याद आपको कुछ इस तरह का कि मैंने ये कहा था कि अगर दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्या ये वाली बात बताई थी? तो यहाँ पर उसका एक क्वेश्चन बना दिया, हमसे कह दिया कि दो वेक्टर हैं, उन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 2π/3 है, मतलब ये 120 डिग्री हो गया, 2π/3 है। इसके बाद आपसे ये कह रहा है कि बताओ कि जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जस्ट इक्वल है। तो ठीक है, ये वाली बात तो हमने रिजल्ट में याद भी करा रखी थी, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाफट। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहाँ को लिखेंगे सॉल्यूशन ए इस तरह से। हमसे क्या कह रखा है, व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लेट्स से कि आपके पास जो दो वेक्टर हैं वो ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के जस्ट इक्वल है। ये मैं नहीं कह रखा, जैसे क्वेश्चन में कह रखा बिल्कुल वैसे ही लिख दिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लिख दिया हमने। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए जो है वो किसके बराबर है, बी के, स्केलर फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड है ये भी। अब हमसे कह रहा है कि उन दोनों के बीच जो एंगल है वो 2π/3 है। आपको बताना पाई बाई थ्री, इसको रेडियन में, रेडियन को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दो। देखो 3×6=60, 6 × 2 कितना हो जाएंगे 120 डिग्री। बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आगे देख लेते हैं, हमसे कह रहा प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो आपके पास रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर के जस्ट इक्वल है, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो लगा लेते हैं रिजल्टेंट। हमसे क्या कह रहा है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या? प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर, आइदर का मतलब ये किसी एक फोर्स के इक्वल। तो इसका मतलब आर जो है वो या तो ए के इक्वल, ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल दिखा दो आप, या आप जो है उसको बी के इक्वल। कुल मिलाकर ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। तो कहाँ से निकल कर आएगी ये चीज़? इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, सीधा सा पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। कैसे लगाओगे आप? वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज़ जो बहुत अच्छे से हमने याद की हुई है, क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्केलर फॉर्मेट में ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब इसको देखो, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से लिख देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मुझे रिजल्टेंट जो है किसी एक के इक्वल लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रहने दूंगा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी मैं ए स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ए जो है वो बी के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो बी है उसकी जगह मैं ए रख सकता हूँ, बिल्कुल 2a ऐसे ही रहने दो, बी की जगह मैं ए रख सकता हूँ, बी की जगह मैं ए रख सकता हूँ। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, कन्वर्ट कर ली थी हमने। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर 2a² हो गए, प्लस ये हो जाएगा 2a² कोस 120 डिग्री। ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। आर स्क्वायर यहाँ से 2a² कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 1 प्लस कोस 120 डिग्री। अब कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² मैं बताता हूँ, 2a² 1 प्लस कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। अगर किसी को नहीं पता लग रही है तो कोस 120 डिग्री वो ऐसे लिखे, ये होता है कोस 90+30। और कोस 90+थीटा, बताओ 90+थीटा ये होता है माइनस का साइन थीटा। और कोस 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो माइनस का 1/2 आ गया। क्या कोई टफ है? नहीं, बिल्कुल ईजी है।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर। वन में से हाफ निकालेंगे तो हाफ बचेगा, टू से टू कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए के। सिंस यू नो दैट ए इज इक्वल टू किसके था, बी के बराबर, तो इसका मतलब आपके पास आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी के बराबर आ चुका। तो क्या ये प्रूफ नहीं करवाया था आपसे, बिल्कुल करवाया, तो ये हो गया आपके सामने प्रूव्ड। तो कोई टफ था, बिल्कुल टफ नहीं था, सीधी सी बात है। आपसे कह रहा है कि भाई दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल आपने रख दिए और उनके बीच का एंगल जो है 2π/3 है, इसका मतलब ये हो गया 120 डिग्री है। तो आपने क्या किया, आपको जो प्रूफ करना था वो ये करना था, इसका मतलब r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। तो आपने कुछ नहीं, आपने पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया सीधा सा, और भाई आपने उसको सॉल्व कर दिया। कुछ टफ था, कुछ टफ नहीं था, तो आपके लिए इसी तरह के ईजी बन जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, अगर आपको डाउट है तो भाई उस ज्वाइन करें और वहाँ जा कर के अपने कमेंट करें, अपने अलग अलग तरह के डाउट का भी डिस्कशन करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव वीडियो बातचीत हुआ करेगी कि क्या चल रहा है, कौन सी क्लास में है, कहाँ से हैं, किस तरह के आपको डाउट्स आते हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो किस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर लिंक दे रखा, वहाँ से उसको फॉलो कर लें, साथ में टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम भी दे रखा, फेसबुक पेज का भी दे रखा, तो सबको फॉलो कर लें, मदद मिलेगी आपको। थैंक यू।